नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। इस समय शुक्र ग्रह कुंभ राशि में विराजमान है, तो वहीं अब शुक्र ग्रह 27 अप्रैल को कुंभ से मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह भौतिक सुख, सौंदर्य, काम वासना, वैवाहिक सुख और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। तब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो कोई उसका अच्छा बुरा प्रभाव 12 राशियों पर पड़ता है। तो ऐसे में आज हम एक्सपर्ट से जानते हैं कि 27 अप्रैल को शुक्र के गोचर करने से किन राशियों का लाभ होगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशु मल्होत्रा। आज की इस पोस्ट में भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आज की इस पोस्ट में बात करेंगे शुक्र देव के गोचर के बारे में। शुक्र देव 27 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं, जहाँ पे देव गुरु बृहस्पति पहले से ही बैठे हैं और शुक्र देव भी दैत्यों के गुरु हैं, यानी दोनों गुरुओं का आपसी मिलन नौ राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा धन की वर्षा करने जा रहा है। शुक्र देव 27 अप्रैल को मीन राशि में जाएंगे और 23 मई को वो मेष राशि में जाएंगे, यानी कि 27 दिन नौ राशि वालों के लिए शुक्र देव शुभ योग लेकर आ रहे हैं। ये राशियां कौन कौन सी हैं? ये मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इन नौ राशि वालों को के लिए ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। हमारी लाल किताब में देव गुरु बृहस्पति भगवान शिव के कारक हैं और शुक्र देव बैल है, यानी बैल के ऊपर बैठे हुए शिव, ये वो वाला कॉम्बिनेशन बन गया। तो जो शुक्र और बृहस्पति हैं, दोनों ही लक्ष्मी के कारक हैं, यानी हमारे धन के कारक हैं। अगर शुक्र देव कैश हैं, कैश पैसा है, तो बृहस्पति सोना है, यानी वो भी हमारा धन ही है। पैसे से हम जो सोना खरीद के घर रखते हैं, दोनों ही हमारे धन की तिजोरी के मालिक हैं। तो ये नौ राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको छोटे छोटे उपाय बता दूंगा सभी राशि को, ताकि ये 27 दिन आपके लिए शुभ योग लेकर ही आए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये बताना चाहूंगा कि आपके कुंडली में अगर शुक्र केंद्र में ही है तो आपके लिए बहुत शुभ योग बनने हैं। अगर विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपके काम बनेंगे। आप क्या करें, सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को मीठा चढ़ाकर आएं और गाय को भी मीठा खिलाएं, तो आपके सारे काम बनेंगे। इसके बाद बात करता हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करता हूँ, ये शुक्रदेव की अपनी राशि है, ये धन की तिजोरी की घर की ये राशि है। हाँ, माँ लक्ष्मी जी को देसी घी चढ़ाएं और साथ में कमल के फूल चढ़ाएं, तीन कमल के फूल और देसी घी का दिया जलाएं और सफेद मिठाई चढ़ाएं, वृषभ राशि वालों के लिए भी शुभ योग बनेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि चंद्रमा की है, कर्क राशि रोज की इनकम की कारक है, चंद्र की अपनी राशि है। इसमें इन राशि वालों के लिए भी शुक्र शुभ योग लेके आएंगे। कोई गाड़ी, कोई घर, कोई फाइनेंस का कोई लाभ इन्हें होने वाला है, तो इनके लिए भी ये एक अच्छा योग होगा। 27 अप्रैल के बाद जब शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो आप किसी भी शुक्रवार को 1.25 किलो चावल जल प्रवाह करें, आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। और कुछ क्वाइन सिक्के आप भी वो भी साथ में जल प्रवाह कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा उन्नति तरक्की मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए बताना चाहता हूँ, ये सिंह राशि सूर्य देव की है और सूर्य देव अभी मेष राशि यानी अपनी उच्च राशि में ही गोचर कर रहे हैं और इसके बाद वो शुक्र की ही राशि में आएंगे 14 मई के बाद। तो आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए बताना चाहूँगा कि आपके लिए भी ये एक अच्छे संयोग लेकर ही आएंगे। तो अगर आप सिंह राशि वाले 27 अप्रैल के बाद अगर घर से 11 या 21 चपाती बनाकर हर चपाती में गुड़ की डली रखकर गाय को खिला दें, तो आपके ऊपर भी
शुक्र देव अपनी धन वर्षा अवश्य करेंगे। इसके बाद बात करता हूं तुला राशि की। तुला राशि शुक्र देव की अपनी है। तुला राशि जमीन जायदाद की कारक है। तुला राशि वैवाहिक जीवन की कारक है। तुला राशि हमारे पार्टनरशिप की कारक है, हमारे बिजनेस की कारक है, विवाह की कारक है। तो आप भी अगर इस चीजों के साथ जुड़े हैं और ये करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये समय बेहतर बन गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए। आपको शुक्रदेव काफी ही अच्छी फल देंगे। अगर आप कोई यात्राएं भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको नए फल मिलने शुरू हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप क्या करें, आप अगर जब भी 27 अप्रैल के बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो अपने भार के अनुसार हरा चारा गाय को खिलाएं, ये आपके लिए बेहतर बनेगा और आपको बहुत ही शुभ योग मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद गाय के दूध की कोई भी मिठाई बनाकर अगर आप जरूरतमंदों को खिला दें तो इससे भी बहुत अच्छे योग आपके लिए बन जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा, वृश्चिक राशि मंगल देव की है और इन राशि वालों को भी बहुत अच्छे शुभ योग देखने को मिल रहे हैं। तो आपके लिए भी ये बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि मंगल की है और अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं, यानी कि मकर राशि में है या अच्छी स्थिति में अपने मित्रों के ग्रह दृष्टि में बैठे हैं या पहले घर में आपके मंगल बैठे हैं, तो आपके लिए भी ये समय जो होगा बेहतर ही बनता चला जाएगा और आपको भी शुभ योग मिलने शुरू हो जाएंगे। आप 27 अप्रैल के बाद जो जरूरतमंद औरतें हैं जिनको आर्थिक रूप से अगर आप कोई मदद कर सकते हैं तो उन्हें कोई आप राशन पानी दे दें और उसमें मीठा जरूर दें, तो ये करना आपके लिए बहुत ही बेहतर बनेगा और आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। इसके बाद बात करता हूं मकर राशि की। मकर राशि शनिदेव की है। मकर राशि शनिदेव शुक्र के परम मित्र है। मकर राशि हमारे कर्म स्थान की मालिक है, हमारे कामकाज की मालिक है और मकर राशि के ऊपर शनि की साढ़े शक्ति भी चल रही है, तो थोड़ा सा इसका बचाव रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफी शुभ योग मिल सकते हैं। तो मकर राशि वाले क्या करें, मकर राशि वाले को लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 27 अप्रैल के बाद जो भी शुक्रवार आएगा तो उस दिन आप छोटी कन्याओं को अगर चॉकलेट बांट दें तो ये आपके लिए करना बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से आपको शुक्रदेव प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कुंभ राशि की बात करूंगा, कुंभ राशि भी शनिदेव की ही है। कुंभ राशि हमारी इनकम की कारक है, वो इनकम से ही हम अपने शुक्र की तिजोरी भर सकते हैं। तो इस आपके लिए भी ये बताना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, कुंभ राशि वाले अगर अपने अपनी बचत से, यानी कि अपना जो धन कमाते हैं महीने का, उसमें से थोड़ी सी बचत करके अगर जरूरतमंदों की मदद कर दें तो आपके लिए भी आर्थिक रूप से आपको और भी ज्यादा लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि की बात करूंगा, ये मीन राशि बृहस्पति देव की है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। मीन राशि हमारे पैरों की कारक है और मीन राशि हमारी यात्राओं की कारक है। मीन राशि हमारे खर्चे के घर की कारक है, तो यहाँ पे अगर मीन राशि वालों के लिए कोई खर्चा भी होगा तो उनका खर्चा शुभ योग में ही जाएगा, उन्हें बहुत ज्यादा लाभ होगा अगर वो कोई शुभ खर्चा करते हैं, यानी किसी धर्म स्थान में अगर कोई वो दान पुण्य करते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर देते हैं, तो ये करना बहुत अच्छा होगा और आपके लिए धार्मिक यात्राएं करना भी नेक फल लेकर आएगा आपके लिए। तो ये काम आप जरूर करें। घर में भी अगर कोई आप पाठ आदि करना चाहते हैं तो आप करें, आपको ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और ये 27 दिन भी आपके लिए नेक फल ही लेकर आएंगे। तो आपको भी अगर हो सके तो जो ब्राह्मण है उनको अगर आप भोजन आदि करवाएं उसमें खीर अवश्य रखें, तो ये करना आपके लिए लाभप्रद होगा और आपको भी शुभ योग मिलेंगे और काफी चीजें आपके सपने जो है वो आगे बढ़ेंगे और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। तो ये 9 राशि वालों के लिए ये जो योग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और आप इसका लाभ लें। और मैं अपनी अगली पोस्ट में फिर कोई नई जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।